आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। विगत दिनों मुदौल चौराहे पर स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने के विरोध स्वरूप बहुजन समाज पार्टी ने एक रैली निकाली और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने तो भाजपा के द्वारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा इन दो महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। वहीं लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो FIR लंबित की गई है उसको भी CBI जांच कराकर खात्मा किया जाए। दूसरी मांग, अभी परसों भोपाल में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय FIR लॉन्च हुई है। बगैर उसके जांच के पूरी सत्यता के साथ जितने वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की कमीशन का काम कर रहे हैं, पर माननीय अग्रवाल जी जो लंबे वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के असहायों के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने शरण रख के समस्याओं के लिए बहुजन समाज पार्टी अन्याय अत्याचार के खिलाफ समस्याओं के ज्ञापन दिया है। जो मुदौल चौराहे पर बाबा साहब की और संत शिरोमणि रविदास जी की जो मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने भाजपा के सहारे पर खंडित किया है, उस मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए मांग की है और शांति का माहौल वातावरण बनाने के लिए शांति की अपील की है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी पर जो झूठी FIR भोपाल में भाजपा के और SS के इशारे पर षडयंत्र रचकर जो FIR दर्ज कराई है उसको CBI जांच कर खात्मा किया जाए और उस FIR को वापस लिया जाए। ऐसी बहुजन समाज पार्टी जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें पुलिस ने अभी तक नहीं की FIR दर्ज। कैंट थाना के अंतर्गत ग्राम माहौल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें से एक पक्ष को काफी चोटें भी आई। इसके बावजूद भी कैंट थाना प्रभारी इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। पहलवान सिंह के मुताबिक उन्होंने थाने में आवेदन दिया था। वहीं घटना 18 तारीख की बताई जा रही है। इसके बाद आज तक FIR दर्ज नहीं की गई और ना ही उसकी कॉपी दी गई। इसके साथ ही मेडिकल में फ्रैक्चर को भी नहीं बताया गया। पहलवान सिंह ने यह भी बताया कि वह SP महोदय से भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे फ्रैक्चर आग तो ये फ्रैक्चर नहीं बता रहे, ना FIR करी। खेत की मेरे खेत और बाप खेत बगल में है तो खेत की पार डाल रहा तो गाड़ा बना रहा तो सर्व तो मेरी मेड़ दाब दी सब पूरी और दो हाथ खेत में दाब थे। मैंने ना ही करी सब देवे भड़का कौन दयानंद शर्मा और पुरुषोत्तम और बड्डन और गोपाल। अच्छा तो हाँ। इसकी आपने FIR करवाई? करवाई साहब नहीं, लिखी नहीं, नहीं करवाई। FIR दही नहीं है वो साहब, नहीं दे रहे, नहीं रही। आज देंगे तो कल देंगे, हर दिन बुला रहे हैं साहब। 16 तारीख की घटना है 11 बजे। अच्छा आपके मतलब आपको FIR देनी रही? नहीं रही। SP साहब के पास गए थे आप? SP साहब के साहब गौतम साहब मंगलवार क्या बोले? जांच कराने कहीं ऐसे लग के रूल कहीं नहीं है, मेरे आवेदन अकेले। मातापुरा से शहरी समुदाय के लोग जिला कलेक्टर से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इन सभी की यह मांग है कि पिछले 3 वर्षों से फॉर्म भरने के बाद भी सिर्फ 1 कोटी ही आ पाई है, जबकि क्षेत्र में 300 कोटी का निर्माण होना है।
इन्हीं समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराने के लिए यह सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कल अध्यक्ष साहब के पास ये कुटी की समस्या, 3 साल से फार्म भरे हुए ऑनलाइन, तो एक कुटी आई है, जिसके अलावा आज 300-400 कुटी हैं, अभी उनमें से एक भी नहीं है। मतलब तो पे आपका एक ही कुटी आई है बस? एक कुटी आई है शहरी समाज की, इतने में से कुछ भी नहीं आया अभी तक, परेशान है। और नगर पालिका में भी जाते हैं तो भाई कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारा कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना है कि हमारी जल्दी से जल्दी शहरी समाज परेशान है और कुटी बनवाने की कृपा करें। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की गुना इकाई ने कलेक्टर विजय दत्ता को ज्ञापन सौंपकर ये मांग रखी कि आरक्षण जातिगत आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर हो। इसी के साथ लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द ही आरोपियों की फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग भी इस ज्ञापन के माध्यम से रखी गई। आज हमने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ जिला इकाई गुना कार्यकारिणी ने आज श्री गुना कलेक्टर विजय दत्ता जी के उपस्थिति में श्री शिवानी रायकवार डिप्टी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसका मुख्य बिंदु हमारा आज हमारे संगठन का मुख्य बिंदु जो है वो है जातिगत आरक्षण ना होते हुए आर्थिक आरक्षण हो, उसी के संबंध में हमने ज्ञापन दिया। एवं विगत दिनों मंदसौर, सागर, सतना में हुई नाबालिग बच्चों के साथ दुर्जन घटना है, जिसमें हम सभी ब्राह्मण समाज फांसी की मांग करता है। जो भी दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक मामला चलाकर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उनको फांसी की सजा दी जाए, इसी संबंध में आज हमने ब्राह्मण समाज में उपस्थित होकर ज्ञापन प्रेषित किया है। मुदौल चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर एवं संत श्रोमणि की प्रतिमाओं के तोड़े जाने के विरोध में हरिवार समाज ने एक रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर पहुंचे। वहीं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जल्द से जल्द आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए, साथ ही मूर्तियों का मुआवजा हरिवार समाज को जल्द से जल्द दिया जाए ताकि दोबारा से मूर्तियाँ स्थापित की जा सके। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ग्राम मुनोर में 3 तारीख के दरमियान रात में अज्ञात लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं संत रविदास जी की मूर्ति को खंडे में बोल दिया। उसके विरोध में आज हरिवार समाज संघ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहा है, उस पर दंडित कार्रवाई होनी चाहिए एवं मूर्ति की जो मुआवजा राशि समाज को मिलनी चाहिए, यही कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं संभाल पा रही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को, ऐसा कहना है राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का। जनता पार्टी पर विभिन्न प्रकार के आरोप राधोगढ़ विधायक ने लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल नीरव मोदी जैसे लोगों को पैसा देने के लिए गरीब आदमी का पैसा बैंक में जमा करा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये दावे करती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देगा, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा कोई मामला देखने में नहीं मिला जहां इस तरह का किसी आरोपी को सजा सुनाई गई हो। वहीं जयवर्धन सिंह ने यह भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी जो ओवरड्राफ्टिंग कर रही है वह पैसा यदि आम आदमी के काम आए तो ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह के चेहरे को चमकाने के लिए अगर काम आता है तो ये गलत बात रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह के विज्ञापनों को दिखाने के लिए प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसने गरीब बेसहारा बच्चों एवं महिलाओं के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है, उसे केवल 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारों एवं किसानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, वहीं महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को कैसे रोका जाए इस बारे में भी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस सरकार के आधे ही पेट्रोल पर लग रहे टैक्स को भी कम किया जाएगा। देखिए, NCRB संस्था जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उनने भी उनके आंकड़े कुछ महीने पहले टेबल किए थे, जिसमें स्पष्ट ये बात सामने आई थी कि अगर सबसे ज़्यादा अपराध और दुष्कर्म
महिलाओं के साथ हुए हैं वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, लेकिन ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा ऐसे जो हादसे सामने आए हैं, जो लोग इसमें दोषी हैं उनकी ना तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको सज़ा मिली है, और इन सब काम के बाद भी अगर हम देखें तो दिन पर दिन ऐसे और अपराध हो रहे हैं। जो घटना मंदसौर में हुई बहुत ही दुखद निंदनीय घटना हुई, और कहीं ना कहीं प्रदेश भर में भाजपा सरकार ऐसा संदेश नहीं दे पाई है जिसके द्वारा ऐसे हादसे कम हो। साथ में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो ये ऐसे हादसे कर रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे इन घटनाओं को रोकने के लिए हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं, क्या हमें स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे ऐसे और कार्यक्रम करने चाहिए जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को और जो भी ऐसे युवा लोग हैं जो आगे मतलब जिनका भविष्य है क्षेत्र में, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि कोई ड्राफ्ट कांग्रेस ने दिया है कि ड्राफ्ट अपनी तरफ से कुछ? देखिए ड्राफ्ट अभी नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर वादा किया है कि जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होगा तो ऐसे घटनाओं कम करने के लिए हमारी क्या क्या नीतियाँ होंगी ये जरूर हम प्रस्तुत करेंगे। ये बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, कांग्रेस कब तक करेगी? हमारे जो अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी और भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग एक महीने में मैनिफेस्टो रिलीज हो जाएगा जिसमें मूल रूप से हम किसान का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आज के समय अगर हम देखें तो पिछले 4 साल में जब सरकार देश में भी भाजपा की है और प्रदेश में भी भाजपा की है, इस समय किसान घाटे में है, परेशान है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। साथ में जो दाम डीजल के, पेट्रोल के बढ़े हैं, शायद देश के इतिहास में सबसे अधिक दाम आज के समय है जब सरकार प्रदेश में भी देश में भी भाजपा की है, और सबसे अधिक वैट पेट्रोल डीजल पर अगर कहीं लगता है पूरे देश में तो मध्य प्रदेश में लगता है। ये भी हम अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो हम इस वैट टैक्स को भी कम करेंगे। साथ में आज के समय युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो भी बड़े उद्योग की संस्थाएं पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित हुई हैं ये सब स्थापित हुई थी कांग्रेस पार्टी के समय। पिछले 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने और भाजपा ने युवाओं के रोजगार के लिए एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया है। हम हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से नीति इसमें हम बताएंगे जिसके द्वारा युवाओं को और रोजगार मिलेगा। अभी किसानों को अभी तक जो भी ऐसे पीड़ित किसान हैं उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात यही है कि हमेशा भावांतर योजना का और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़ी बड़ी घोषणाएँ होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका लाभ जो छोटे किसान हैं उनको नहीं मिल पाता है। समस्या ये है कि समर्थन मूल्य ना आ पाने के कारण किसान अगली बोनी नहीं कर पा रहा है। करेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें तो बीज के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, लेकिन जो किसान का उत्पाद है जिसके द्वारा किसान को लाभ मिल सकता है वह दाम नहीं बढ़े हैं, जिसके कारण किसान आज घाटे में है। और वो इसलिए है क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियाँ हमेशा उद्योगपतियों के हित में रही हैं। अगर आप देखें तो नोटबंदी के माध्यम से जो आम किसान हैं, जो घरेलू माताएं हैं, जो घर पे नकदी पैसा रखते थे, उनका पैसा ही मोदी जी ने बैंक में जमा करवाया, और उसी पैसे से नीरव मोदी जी को बड़ी बड़ी लोन मिली हजारों करोड़ की, और अब वो ऐश कर रहे हैं विदेश में। तो यही भाजपा की नीति है और कांग्रेस पार्टी इसी नीति के खिलाफ काम करेगी, ताकि अगर किसी को लाभ मिलना है तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा यही सोच रही है कि लाभ मिलना चाहिए किसानों को, आम आदमी को और युवाओं को। देखिए कर्जा अगर लेना है तो अगर उससे जनता का विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्जा तो इतना ले रही है लेकिन जो ग्राउंड पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए आम जनता के लिए वो फिर भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें इस बात की चिंता भी है, दुख भी है कि जो असली लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज हो रही हैं उसमें जो सही प्रकार से जो पैसा पहुंचना चाहिए आम किसान को, जनता को, वो नहीं पहुंच पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जिस हिसाब से प्रस्तुति करती है, अपने बड़े बड़े अपने खुद का ब्रांडिंग करती है,
तो क्या वो पैसा ओवरड्राफ्ट इसलिए किया गया कि लिया गया कि रनिंग कर सके चुनाव? देखिए वो तो मैंने कुछ महीने पहले विधानसभा में इस बात का प्रश्न भी उठाया था, चर्चा भी हुई थी सदन में इसके बारे में कि लगभग सिर्फ विज्ञापन के लिए भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए और महिला बाल विकास विभाग के लिए जिसके द्वारा बच्चों को पोषण आहार मिलता है, जिसके द्वारा महिलाओं के हित की जो सुविधाएं होती हैं उसमें सिर्फ 100 करोड़ का पैसा प्रावधान था। तो आप ये तुलना कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे के लिए और विज्ञापनों के लिए भाजपा सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करती है और महिलाओं के हित की योजनाओं के लिए, बच्चों के हित की योजनाओं के लिए सिर्फ 100 करोड़ खर्च करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकताएँ कहाँ कहाँ हैं। ठीक, मकसूदनगढ़ में कई दिनों से चली आ रही पानी की समस्या से अब कुछ राहत मिलने जा रही है। आज मकसूदनगढ़ में इंजीनियरों द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने का सर्वे किया गया। इंजीनियरों ने बताया कि राजीव सागर डैम से पानी की पाइपलाइन मकसूदनगढ़ तक बिछाई जाएगी जिससे लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। आरोन नगर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आरोन के मेन बाजार में एक खम्भे में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण काफी देर तक खम्भा जलता रहा। वह तो गनीमत रही कि आज नीचे ही मौजूद एक दुकान नहीं लगी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आरोन से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भूपेंद्र पवार ने किया ग्राम पंचायत पतलेश्वर आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण। इंद्रधनुष अभियान, दस्तक अभियान और भी सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। घर घर जाकर आंगनवाड़ी के हालचाल जाने। आंगनवाड़ी कार्य से खुश होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही तरीके से आंगनवाड़ी संचालित कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिलाधिकारी एवं तहसील के अधिकारियों ने भी प्रशंसा की। भूपेंद्र पवार एवं प्रदीप शर्मा ने गांव वालों से आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया। ग्रामवासियों ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में आंगनवाड़ी नहीं खुलती, अगर खुलती हैं तो जल्दी बंद हो जाती हैं। संघ की ओर से अभी दो प्रमुख अभियान चल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नीति निर्धारण में हमारा आड़वा जिले में आया, गुना पिछड़े वर्ग में। तो इसमें मिशन इंद्रधनुष के कुछ चयनित गाँव हैं जिसमें कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो छूटे हुए बच्चे हैं या छूटी जो गर्भवती हैं उन लोगों को विशेष रूप से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही एक कार्यक्रम और चल रहा है दस्तक अभियान, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ANM सभी लोग घर घर जाएंगे और ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे जो किसी कारण से जिनको दस्त है या किसी कारण से कोई गंभीर बीमारी है, एनेमिक है, उन बच्चों का सर्वे करेंगे। उन सर्वे के दौरान पर उनके घर घर जाकर उनका चिन्हांकित करना और उनको रेफर कर उन्हें जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचाना। आपको आना यहाँ किस उद्देश्य को लेकर है? उद्देश्य ये है कि जिस तरह से सर्वे अभियान हुआ है, चाहे वो दस्तक का सर्वे हुआ है, चाहे मिशन इंद्रधनुष का सर्वे हुआ है, उन घरों में चेक लिस्ट चेक किया जा रहा है कि वहाँ पर क्या सर्वे एक्चुअल हुआ है, वर्तमान वहाँ पर हितग्राही हैं कि नहीं है, उस चक्कर में उनको जहाँ पर हम क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ क्या परिणाम मिले आपको देखने पर? परिणाम सकारात्मक मिले हैं। जितने भी हम घरों पर गए, जो चिन्ह भारत दीवारों पर लगे गए हैं वही चिन्ह हमने घरों पर आए गए हैं और हमारे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM की तीनों का सराहनीय काम है, उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं भी ये देखने यहाँ तक ये किस प्रकार से सर्वे हुआ है, अगर गलत हुआ है तब उसको सही करवाएंगे और जो प्रत्येक हितग्राही को उसका लाभ मिले, टीकाकरण हो, योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य से हम लोग। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। विगत दिनों गुना नगर आए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गुना नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किए गए स्वागत को सोशल मीडिया पर वायरल कर धन्यवाद दिया गया, जिसमें आज नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा डीजियाना के माध्यम से धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि वे इसी तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानीय राकेश सिंह जी गुना पहली बार प्रथम नगर आगमन पर आए थे। सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हो। पूरे नगर में सब ने स्वागत किया, नगरपालिका परिषद ने भी स्वागत किया। हमारे नेता हैं, पूर्व में भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभा झा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो भी गुना आता है नगरपालिका परिषद स्वागत करती है। और हमारा हमको करना ही चाहिए, हमारे संगठन के प्रदेश के मुखिया थे। तो उन्होंने जो आपकी तारीफ करी है सोशल मीडिया पे, उसके लिए आप कैसे? कार्यकर्ता की तारीफ की है और कार्यकर्ता काम करता है। जो आज पार्टी आगे जा रही है वो कार्यकर्ता की दम है और कार्यकर्ता ही भगवान है और कार्यकर्ता के ही कारण हम लोग नेता हैं। कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, कार्यकर्ता के काम होंगे और उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नगर पालिका परिषद की तारीफ़ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूर्व में कई बार तारीफ़ कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री जी भी तारीफ कर चुके हैं, प्रभात झा साहब भी तारीफ कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि गरीबों की सेवा हो, नगर पालिका परिषद गरीबों की सेवा कर रही है। ईश्वर टेकरी सरकार की कृपा से नगर में काम हो रहा है, करोड़ों रुपए के विकास की राशि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इतनी राशि दी है कि शहर आज सुंदर हो रहा है, पार्क बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पुल पुलियाँ बन रही हैं, प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए बन रहे हैं। अभी हमने 6 से 7 करोड़ रुपये गरीबों के खाते में डाले हैं और बसें चलाई हैं, हर जगह काम हो रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा था, मुझे लगता है कि गुना से पूर्ण हो चुका है। और मैं तो कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास में मुख्यमंत्री जी पैसा दे रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं, उसमें राजनीति ना करें और उनकी हालत देखें। जब मंडी अध्यक्ष कांग्रेस का है, मंडी गेट के सामने सड़क की हालत देखें। मुझे आज आपके चैनल से कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पुरानी गल्ला मंडी की हालत देखें और मंडी गेट के सामने की सड़क देखें। मैं क्षेत्रीय सांसद जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कांग्रेस की मंडी है, आप दोनों जगह भ्रमण करके देख लें कि हालात क्या हैं मंडी गेट के सामने के और पुरानी गल्ला मंडी के। वहाँ जनता निवास करती है, आप संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, वहाँ की हालत सुधारें। जहाँ हमारा क्षेत्र आता है, मुख्यमंत्री जी की प्रदेश की सरकार के पैसे से हमने शहर को सुंदर बनाया है। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।